जयपुर में एक कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। ट्रॉली लोहे के सरिये से भरी थी जो कार सवार एक युवक के शरीर में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के घाटगेट की है जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में दोनों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक का नाम डॉक्टर प्रवीण है। वह अलवर जिला अस्पताल में डेंटिस्ट के पद पर पदस्थापित था। वहीं दूसरा डॉक्टर अमित कुमार फिजिशियन था। दोनों अपने परिवार के साथ मौसम अच्छा होने की वजह से जयपुर शॉपिंग करने आए थे। जो शॉपिंग करने के बाद दौसा जा रहे थे लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे तो सड़क पर अंधेरे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी जिससे उनकी कार टकरा गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। अब इस पूरे प्रकरण की पुलिस पड़ताल कर रही है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता यादवेंद्र। यादवेंद्र, भीषण टक्कर हुई है ट्रांसपोर्ट नगर घाटगेट पर, मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? देखिए सौरभ, पहली बात तो यह है कि जो दोनों युवक थे ये एक फिजिशियन था इसमें और एक पेशेंट से डॉक्टर था जो कि डेंटिस्ट था। अलवर के अंदर जिला अस्पताल है वहां पर ये पदस्थापित था। कल मौसम अच्छा था तो ये अपने परिवार के साथ यहाँ जयपुर आए हुए थे और सुबह ही यहाँ पर जयपुर आ गए थे। पूरे दिन भर ये लोग रहे, रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, इसके बाद घूमे फिरे और साथ में शाम को शॉपिंग करी। रात को करीब 11:30 बजे की बात है जब ये दोनों युवक जो थे अपने पूरे जो फैमिली के साथ दौसा जा रहे थे। जो एक्चुअली जो कार थी उसमें सवार थे, अचानक से ट्रांसपोर्ट नगर यानी घाटगेट के पास में एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी जिस जगह खड़ी हुई थी वहां पर किसी भी प्रकार की कोई रोड लाइट नहीं थी और ना ही कोई ऐसा इंडिकेटर थे जिससे ये पता लग सके कि कोई आगे साधन खड़ा हुआ है। ऐसे में ये जो दोनों डॉक्टर जो थे ये कार चला रहे थे, अचानक से जब कार थी जो ट्रैक्टर ट्रॉली के पास पहुंची तो अचानक से उसके अंदर जो सरिये भरे हुए थे वो उनकी कार के कांच को तोड़ते हुए सीधे जो डॉक्टर प्रवीण था उसके सिर में और शरीर में घुस गए। हालांकि डॉक्टर जो अमित कुमार था जो इसके साथ था फिजिशियन था उसके भी यहाँ पर सरिये घुसे हैं लेकिन इन्होंने काफी कुछ बचाने की कोशिश की लेकिन बड़े हादसे को टाल नहीं पाए और मौके पर ही यहाँ पर जो प्रवीण कुमार था उसकी यहाँ पर मौत हो गई। हालांकि जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने पुलिस की मदद से इन दोनों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन जैसे ही वहां लेके गए तो डॉक्टर ने यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण को यहाँ पर मृत घोषित कर दिया लेकिन जो अमित कुमार है उसकी हालत यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। बहरहाल सूचना मिलने के बाद जो एक्सीडेंट थाना ईस्ट है वो मौके पे पहुंची थी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और इस पूरे प्रकरण की यहाँ पर जांच पड़ताल में कट गई है। हालांकि घटना के बाद जो ट्रैक्टर ट्रॉली चालक था वो मौके से फरार हो गया, उसकी फिलहाल पुलिस है जो जांच पड़ताल कर। लेकिन ये भी बात सामने आई है कि जो एक जो शख्स था डॉक्टर प्रवीण ये जो चिकित्सा मंत्री है उनके जो पी है उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है और ये जो हादसे का जो बड़ा मेजर कारण जो वो देखने को मिलता है सौरभ वो यही है क्योंकि लाइट पर जो लाइट जो थी वो रोड लाइट नहीं थी, वहां पर अंधेरा था और इस बात की भनक जो थी इन कार चालकों को यहाँ नहीं लग पाई और अंततः जो रिजल्ट सामने आया वो तेज स्पीड जब कार आ रही थी तो ये उन ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर घुसे जिसमें सरिये भरे हुए थे क्योंकि सरिये जो थे वो 12 से 16 mm के सरिये थे और वो 5 फीट के आसपास जो सरिये थे वो ट्रॉली से बाहर निकले हुए थे। ऐसे में ये हादसा हो गया। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के देखा जाए तो जो जेडीए या परिवहन विभाग जो है वो जिम्मेदार है क्योंकि सड़क पर किसी भी प्रकार की रोड लाइट नहीं थी जिसके चलते यहाँ पर साधन खड़ा हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। दूसरी चीज, अगर इस तरह के कोई भारी भरकम चीज जो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर भरी होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को यातायात विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि इस प्रकार के ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि लोग अंधेरे में इस तरह के वाहनों को खड़ा ना कर सके। बहरहाल यहाँ पर उनके परिवारों को जो शव है वो सौंप दिया गया है और जो गंभीर हालत में जो डॉक्टर अमित कुमार है उसका फिलहाल यहाँ पर इलाज जारी है। बिल्कुल, चलिए यादवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण भिड़ंत हुई ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच घाटगेट ट्रांसपोर्ट नगर पर जहां पर हादसे में एक युवक की मौत हो गई जो
डेंटिस्ट बताए जा रहे हैं, और वहीं चिकित्सा मंत्री के जो पीए हैं उनके रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं।